नमस्कार साथियों, साथियों ड्राइंग टीचर से संबंधित जानकारी लेने के लिए काफ़ी कैंडिडेट्स उत्सुक हैं और उनके बहुत सारे मैसेजेस आते रहते हैं। तो साथियों, इस वीडियो में आपको बताया जाएगा कि किस तरह से अभी आपके ऊपर तीन और नई सीएम आई हैं अर्जेंट हियरिंग के लिए। हाँ साथियों, ये सच है बिल्कुल, और मैं इसको प्रूव करूंगा और पूरी डिटेल्स के साथ आपको इस वीडियो में डिटेल्स बताऊंगा। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि आप में से बहुत सारे जो कैंडिडेट्स हैं वो इस वीडियो को देखते हैं लेकिन इसको सब्सक्राइब नहीं करते। साथियों, बहुत जल्दी ही आपको और दूसरी वीडियोज़ मिलेंगी जिसमें बहुत सारी जानकारियाँ होंगी, तो आप चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें और पूरी वीडियो को देखें। साथियों, इसमें लाइक और डिसलाइक भी बहुत सारे आते हैं, लाइक ज़्यादा आते हैं, लेकिन जो कैंडिडेट्स रिजल्ट्स का इंतज़ार नहीं कर रहे हैं और चाहते हैं कि पेपर कैंसिल हो जाए वो डिसलाइक कर देते हैं। वो उनकी आपकी मर्जी है, हमारे लिए सभी के लिए वीडियो बनाना एक समान है और पूरी जो न्यूज़ है वो देना आपके लिए है। तो आइए बता देता हूँ कि क्या आपकी केस में और नया मोड़ आया है। तो देखिए, अगर हम चेक करें कि पूनम रानी और आदर्श के ऊपर अभी पिछली एक सीएम लगी थी और 7 जून की उसमें हियरिंग थी, लेकिन उसमें फिर से नई जो डेट थी वो दे दी गई थी। बहुत सारे साथी ये कह रहे थे कि अगर पुराने इसमें हियरिंग करते तो ज़्यादा बेटर रहता, क्योंकि नए तो अभी भी बेरोज़गार हैं और पहले भी बेरोज़गार थे, तो वो 3 महीने और रुक सकते थे। साथियों, अभी जून में जो छुट्टियां चल रही हैं हाई कोर्ट की, तो इसलिए भी जज ने उसमें ज़्यादा वेटेज नहीं दी। लेकिन अभी आप सभी के लिए खुशखबरी है कि इस केस में दोबारा से सीएम लगाई गई है। अभी मैं पूरी डिटेल आपको बताऊंगा। तो अब आप देखिए कि अगर हम केस नंबर से सर्च करते हैं तो केस नंबर आप देखिए, यहाँ पर हमारा इसको CAWP का हमारा जो केस है वो 6911 है और ईयर जो है हमारा 2021 है। केस को देखते हैं तो यहाँ पर देखिए पूनम रानी का जो केस है वो मेन केस आपका सामने आ जाएगा। आप इसको देख पा रहे हैं, यहाँ देखिए 20 अगस्त इसकी जो डेट है वो पेंडिंग शो कर रही है रविंद्र बांगर जी की। अब अगर हम इसको CWP को अगर हम चेक करते हैं, यहाँ देखिए CWP 6911 को, तो यहाँ आपके जो तीन केसेज, अब आपके तीन जो सीएम है वो आपको नई दिखाई देंगे। हाँ साथियों, ये देखिए ये जो तीन सीएम है, ये वाली तो अभी 7 जून की थी, 7107, 7109 और 7110, ये तो 7 जून की थी। लेकिन इसके नीचे अगर आप देखोगे तो ये नई सीएम आ गई हैं 7177, 7178 और 7179। तो ये जो तीन सीएम है ये बिल्कुल नई इसमें आई हैं, आप इसको देख सकते हैं अभी। लेकिन अभी क्या इसके अंदर आया है, क्या डिटेल्स हैं, वो इसको हम वन बाय वन करेंगे। तो देखिए यहाँ पर आप देखेंगे कि विक्रम शेरोन एडवोकेट, जो विक्रम शेरोन जी हैं, उन्होंने ये दायर किया है और ये केस नंबर जो डायरी नंबर है 5322957, ये इसका डायरी नंबर है। डिस्ट्रिक्ट यहाँ जींद है और जो मेन केस है यहाँ देखिए 6911/2021, और जो अर्जेंट में इसको भी दाखिल किया गया है। हाँ साथियों, ये बिल्कुल सच है, आप देख सकते हैं आपके सामने स्टेटस दिया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर स्टेटस अभी पेंडिंग है। अभी इसमें देखते हैं एक्सेप्ट है या नहीं, नेक्स्ट डेट कुछ नहीं दी रही। अब हम दूसरा 7178 दे रहे हैं, यहाँ पे भी लिस्टिंग हम देखेंगे तो 5352965, यहाँ पर जो डायरी नंबर आया है और विक्रम शेरोन जी द्वारा ही ये दाखिल किया गया है। मेन केस हमारा CWP 6911 है। हाँ साथियों, पूरी डिटेल बता रहा हूँ मैं इसको, आप पूरी वीडियो देखें, अंत तक देखें। और तीसरी भी अगर हम देखें तो ये भी यहीं पर सेम है और इसका डायरी नंबर बदल गया है और ये भी अर्जेंट हियरिंग में है। तो आप देख सकते हैं ये तीनों केस इसके साथ अटैच हैं, लेकिन अभी स्टेटस जो है इसका वो पेंडिंग नहीं है। अगर हम पूनम रानी केस के साथ अगर हम देखें कि जो केस नंबर के साथ अगर एडवोकेट के नाम से चेक करें, तो किसी भी तरीके से आप अगर चेक करेंगे तो भी आपके सामने यही डिटेल्स आएंगी। अब मैं दोबारा से पूनम रानी के नाम से यहाँ पर सर्च कर देता हूँ, आप देखिए तो ये पूनम रानी का केस मैंने इसमें सर्च किया। अब आप देखिए यहाँ पर
यहाँ जो ये केस हैं, अब पूनम देवी के नाम से हमारे पास पहले जो थे चार शो कर रहे थे, पूनम देवी, ये वाला विजयपाल और ये एडवोकेट जनरल, ये वाला एडवोकेट जनरल, विजयपाल विजयपाल और ये विक्रम शेरोन के तीन और अब यहाँ पे शो कर रहे हैं। हाँ साथियों, बिल्कुल शो कर रहे हैं ये तीन। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि 71-77 और ये 71-78 और 71-79, ये तीन शो यहाँ पर कर रहे हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पर पेंडिंग 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 शो कर रहा है, पेंडिंग पेंडिंग शो कर रहा है और डेट कोई अवेलेबल अभी नहीं है, तो इसमें जो भी अर्ली हियरिंग के लिए ये केस किया जा रहा है कि किसी न किसी तरह से ये जो रिजल्ट है वो जल्द से जल्द घोषित किया जाए। बहुत सारे कैंडिडेट्स जो पुराने लगे हुए हैं उनके पास काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं। साथियों आप कमेंट करें कि क्या आपको भी कोई दिक्कत आ रही है केस की अर्ली हियरिंग ना होने की वजह से, आप कमेंट जरूर करें प्लीज़, और शो करें कि हाई कोर्ट इसमें कुछ सुनवाई करे और कुछ ऐसी डिटेल्स दे कि वो इसके बारे में पूरी डिटेल्स बताए और आगे इसमें कुछ मूवमेंट हो, क्योंकि 20 अगस्त तो काफ़ी लंबी जो समय है और कोरोना अभी केसेस भी काफ़ी कम हो गए हैं, सभी कुछ खुल गया है, तो हाई कोर्ट को भी खुल जाना चाहिए इन केसेस के लिए और कम से कम अर्ली हियरिंग तो होनी ही चाहिए। तो ये तीन केसेस हैं और तीनों केसेस अर्जेंट हियरिंग के लिए लगाए हैं। ड्राइंग टीचर से संबंधित है, पूनम रानी केस से संबंधित है, अभी जो इसका स्टेटस है वो पेंडिंग दिखा रहा है और जल्द ही आज इसमें जो डेट है वो शो हो जाएगी। एक्सेप्ट होते हैं या नहीं एक्सेप्ट होते, तो एक्सेप्ट होने के बाद में ही यहाँ पर ये आता है। अगर एक्सेप्ट नहीं होता तो ये जो शो नहीं होता, तो ये केसेस तो एक्सेप्ट हो गए हैं, लेकिन किस उसमें एक्सेप्ट होंगे, किस डेट में आएंगे, क्या नेक्स्ट डेट होगी, वो भी आपको जल्द से जल्द बताई जाएगी। अगर केस से संबंधित कोई जानकारी आपके पास है तो आप techisaji@gmail.com पर भी सेंड कर सकती हैं, कमेंट्स बॉक्स में आप लिख सकती हैं या किसी भी तरीके से आप शेयर कर सकते हैं। आप जो व्हाट्सएप ग्रुप है वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा और कमेंट्स आप कर सकते हैं। तो ये केस से संबंधित बहुत अहम जानकारियाँ थी, जिसमें कि जो बच्चे बिल्कुल हताश बैठे हैं और वो सोच रहे हैं कि रोज़ाना आपके ग्रुप्स में आपस में काफ़ी गहमा गहमी रहती हैं और आपस में ही वो बातें करते रहते हैं, तो आप निश्चिंत रहिए, केस में कुछ ना कुछ होता रहेगा। हर किसी की अपनी प्रायोरिटी है, हर कोई चाहता है कि उसका सिलेक्शन हो, लेकिन सिलेक्शन तो केवल 816 का ही होगा, लेकिन किसका सिलेक्शन होगा वो कोर्ट के द्वारा डिसाइड किया जाएगा। और HSSC ने अपना सारा कार्य पूरा किया हुआ है और उसने रिजल्ट भी पूरा तैयार रखा हुआ है और जो भी एफिडेविट वगैरह हैं वो भी उसने दिए हैं, लेकिन कोर्ट अभी उसको एक्सेप्ट नहीं कर रही है। अब जैसे ही पूरी केस की सुनवाई होगी, इसमें अगर आप सोच रहे हैं कि जल्द से जल्द हो जाए, तो केस की पूरी सुनवाई हुए बगैर ये केस आगे ख़त्म नहीं होगा साथियों, ये बात बिल्कुल पक्की है, क्योंकि एक बार आप पूरी की पूरी अगर जज पूरी सुनवाई कर लेंगे तब ही इसकी कोई वो सॉलिड जो आंसर है, सॉलिड जो केस उसमें दायर किया हुआ है उसका जो रिजल्ट है वो दे पाएंगे। इसलिए थोड़ी सी शांति रखें और केस को सुने, और जल्द ही आपको डेट से संबंधित जानकारी दूंगा और आपको मैंने बता भी दिया है कैसे आप चेक कर सकते हैं, तो चेक करते रहिए और जब कोई भी डिटेल आपके सामने आए तो techisaji@gmail.com पर आप शेयर करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।